सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह द फ्रंट की तरफ से आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण जानकारी स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर लगे हुए तथाकथित आरोपों के बारे में जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है। उन्होंने मेरा बलात्कार किया है, शारीरिक शोषण 1 साल तक करते आए हैं। ये सर्वविदित है कि पीड़िता ने सबसे पहले एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने गंभीर आरोप लगाए कि उसका यौन शोषण स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा किया गया। स्थानीय पुलिस से कोई मदद न मिलने के परिणाम स्वरूप पीड़िता ने यह वीडियो वायरल किया और अपनी सुरक्षा की गुहार की। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने पीड़िता की लोकेशन जानने का पूरा प्रयास किया परंतु तत्काल लोकेशन नहीं मिला। पीड़िता के माता पिता को स्थानीय प्रशासन ने अपने प्रयास से अपने निवास स्थान पर बुला करके उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया, कार्रवाई का आश्वासन दिया और कालांतर में पीड़िता का लोकेशन राजस्थान में मिला और ये उसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें सीधा हस्तक्षेप करके कुछ व्यवस्थाएं दी। व्यवस्थाएं क्या दी कि पीड़िता को सुरक्षा दी जाए, अपराध पंजीकृत किया जाए और पुलिस त्वरित कार्रवाई करके अपराध का अनावरण करे। इसके उपरांत जो घटनाक्रम होता है उसमें पीड़िता के कई एक बहुत ही आपत्तिजनक कुछ वीडियोस प्रकाश में आए, उसमें सच्चाई क्या है ये तो परीक्षण ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी थी कि SIT का गठन हो और IG स्तर का अधिकारी हॉस्टल के उस कमरे की भली भांति तलाशी ले जहां पीड़िता ने कहा कि अकाट्य सबूत उपलब्ध है। पीड़िता ने यह कहा कि विवेचना के दौरान उत्तर प्रदेश के विवेचकों ने उसकी तो बड़ी बृहद 11 घंटे तक पूछताछ की लेकिन स्वामी चिन्मयानंद आरोपी के विरुद्ध न कोई जांच हुई और न ही कोई पूछताछ हुई। लेकिन अब यह बताया जाता है कि स्वामी चिन्मयानंद की पूछताछ लगभग 6-7 घंटे हुई और उनको ये निर्देश दिया गया कि वह शामिल तफ्तीश रहेंगे और कहीं भी अन्यत्र जाने का प्रयास नहीं करेंगे बिना पूर्व अनुमति के। ये संतोष का विषय है। वर्तमान प्रकरण की अगर समीक्षा की जाए तो पुलिस ने क्या चूक की है? चूक नंबर 1, प्रथम सूचना को तत्काल पंजीकृत न करना। चूक नंबर 2, स्वामी चिन्मयानंद से बृहद पूछताछ न करना। चूक नंबर 3, हॉस्टल की भली भांति तलाशी न लेना। चूक नंबर 4, कि एक तरफा कार्रवाई के आरोप से बचा जा सकता था। अब पुलिस का रोड मैप क्या होना चाहिए? रोड मैप ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो आरोपी हो, चाहे कितना भी रसूखदार या पहुंच वाला हो, उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई जो विधि संगत हो, प्रतिशोध की भावना से नहीं, जो विधि संगत हो, जिससे कि जनता में ये भाव जाए जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि आभास होना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है। और इसके उपरांत समस्त साक्ष्यों की त्वरित गति से सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी समीक्षा होनी चाहिए, वैधिक अभिमत लेना चाहिए क्योंकि इसके तमाम पक्ष बहुत पहुंच वाले हैं। ऐसा ना हो कि कोई कच्चा काम हो जाए और लेने के देने पुनः पड़ जाए जैसा कि उन्नाव में हुआ था। उस गलतियों से जो सबक ले करके अब कार्रवाई करें, ये मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ उन्नाव का प्रायश्चित हो जाएगा बल्कि इसमें भी आपकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता है वो भी वापस आ सकती है। क्योंकि अगर इसमें भी चूक हुई तो जो नुकसान आपकी छवि का होगा UP पुलिस का, वो अपूर्णीय क्षति होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।